Right. रानी जी आप झुंझुनू से बिलोंग करती हैं? यस सर। मास कटर बीट्स कहाँ है सर? बीट्स पिलानी के अंदर है। व्हाट इज एफ ए आर? एफ डैश ए डैश आर। सर एफ आर इज फ्लोर एरिया रेशियो विच मीन द टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया इन द बिल्डिंग, यानी कि फ्लोर सारे लेवल्स के फ्लोर का फ्लोर डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। व्हाट इज सुपर एलिवेशन? सर सुपर एलिवेशन इज द एलिवेशन प्रोवाइडेड इन अ कर्व बाय राइजिंग द आउटर फेस विद रिस्पेक्ट टू द इनर फेस इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द ओवरटर्निंग बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अंग्रेजों ने रेलवे की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? सर वो सामान मतलब माल होता है, फेरेट होता है, उसके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाने के लिए उन्होंने रेलवे को स्थापना की थी। इसको अच्छी तरह से कह सकती हैं आप कि इंग्लैंड में जो कारखाने थे उनको कच्चा माल भेजने के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना था पूरे भारत में। जी सर, ये प्रमुख उद्देश्य था उनका। सेम समस्या का प्रमुख कारण क्या है? सर सेम की समस्या जो वाटर लॉगिंग हो जाती है इंदिरा गांधी कैनाल में, ये ज़्यादा देखने को मिलती है। उसकी वजह से जो वाटर है वो नीचे से सॉइल में कैपिलरी एक्शंस के थ्रू ऊपर आ जाता है, इसी को सेम की समस्या कहते हैं। मैस्टिक क्या होता है? सर मैस्टिक एस्फाल्ट जो अपन रोड्स के अंदर यूज़ करते हैं, जो वाइब्रेशंस लेने के लिए काफ़ी वो रहता है, मतलब वाइब्रेशन बहुत इजीली ले सकता है, इसलिए अपन इसको ब्रिजेस के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब इसकी सरफेस है, सरफेस कोर्स प्रोवाइड कराने के लिए इसको ब्रिजेस के अंदर यूज़ किया जाता है। और वैसे ये सर फाइन एग्रीगेट्स और स्क्रीन्स का मिक्सचर होता है। राजस्थान की टोपोग्राफी में जी सर अरावली पर्वत श्रृंखला ने कैसे प्रभावित किया है? सर इसने राजस्थान को यदि अपन देखें तो जलवायु के टाइप से दो अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि राजस्थान के अपन यदि वेस्ट साइड में देखें तो वहाँ पे बहुत ही सूखा और रेगिस्तान की तरह मिलता है, जबकि अपन ईस्ट साइड में देखें तो जो राजस्थान लोग जिस राजस्थान को जानते हैं वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर क्रॉप्स भी होती हैं और बहुत अच्छी फसलें भी होती हैं, तो एक टाइप से राजस्थान को इसने वर्षा की तरह से देखे तो इसको दो अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है अरावली पर्वतमाला ने। दूसरा क्या अंतर आया इसकी वजह से? सर एक इसने राजस्थान को खनिज जो मिलते हैं उनमें रिच बना दिया है, क्योंकि ज़्यादातर खनिज हैं वो अरावली पर्वतमाला के अंदर ही मिलते हैं। रेगिस्तान को रोकने का काम किया है? हाँ सर, पूर्वी साइड में। हाँ सर, बढ़ने से रोका इन्होंने। यस सर। लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से कौन कौन मंत्री हैं? सर गजेंद्र शेखावत सर, श्री गजेंद्र शेखावत जी, और श्री भूपेंद्र जी, और एक श्री सर अर्जुन मेघवाल जी हैं या कैलाश मेघवाल जी हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, ओके। आप पूछिए। रानी सिगर जी अभी आप करंट में क्या काम कर रहे हैं? सर अभी मैं राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एज ए जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की तरफ काम कर रही हूँ। जी, तो फिर आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? सर क्योंकि मैं फॉरवर्ड देखती हूँ, मैं अभी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए मतलब असिस्टेंट इंजीनियर बनूँ। और सर एक ये भी रीज़न था कि जब मैं पास आउट हुई थी तो मेरा मेन फोकस असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए था, तो सर मैं इसीलिए असिस्टेंट। आपको नहीं लगता कि आपने जो JN की पोजीशन ली तो वो दैट इज टोटली आपने अपने साथ नाइंसाफी की और वो पोस्ट भी खराब कर रहे हैं? नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल। आप छोड़ के जाएंगे? हाँ सर, तो और मेरे को पूरा भरोसा है कि बोर्ड है वो जल्दी और योग्य कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर लेगा। और ये गजेटेड पोस्ट है, दैट्स व्हाई यू कम हियर, ये भी एक रीजन हो सकता है।
इट इज अ गजेटेड पोस्ट ना आफ्टर ए जी सर, जो थोड़ा सोशल रिकॉग्निशन है वो सब कुछ भी मैटर करता है, पर मेरे लिए तो मैं इसे यू कर सकती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से ही असिस्टेंट इंजीनियर बनने का ही सोचा था। अच्छा, आपने पीडब्ल्यूडी ही प्रेफरेंस क्यों दी? क्योंकि अगर आपको एएन बनना है तो एएन पंचायती राज में रह के आप इफेक्टिवली लोगों से जुड़ सकती हैं, अपना कार्य क्षमता बढ़ा सकती हैं। पीडब्ल्यूडी क्यों? सर क्योंकि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसको बचपन से हमने देखा है और इसमें मेरे को ऐसे लगता है जो सिविल इंजीनियरिंग मैंने 4 साल में पढ़ी है उसका मैक्सिमम यूज़ है वो मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर कर सकती हूँ, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो यानी जो इंजीनियरिंग में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं उनको मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो टेस्ट होता है तो वो क्यों करते हैं, किस टाइप के एग्रीगेट्स के लिए करते हैं? सर जो अपन कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं उसके लिए, और अपन को एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मतलब टेस्ट करना पड़ता है, ये हार्डनेस चेक करने के लिए किया जाता है। और सर एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, देन व्हाई शुड कंक्रीट कहाँ से आ गया? पहली चीज़, चलिए एक चीज़ बताइए कि ये जो ब्लैक कलर का मार्बल है ये क्या चीज़ है, कहाँ का है, कुछ बता सकते हैं आप? सॉरी जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर ये छत है, ये किस टाइप की छत है? स्लैब? जी स्लैब किस टाइप की है? सर इसमें मुझे बीम नहीं दिख रही है तो मैं इसे फ्लैट स्लैब ही बोलना चाहूंगी। अच्छा, अगर बीम दिखती तो आप उसको क्या कहते? सर सॉलिड स्लैब के अंदर डिवाइड करते फिर। सॉलिड स्लैब में कौन कौन से होते हैं? सब वन वे और टू वे। तो ये कौन सी वाली वे है? कौन सी वे है, कौन सी वे की स्लैब है ये? सर इसका रेशियो मुझे मतलब वन वे स्लैब ही मैं इसको डिवाइड करूँगी, यदि अपन लॉन्गर लेंथ और डिवाइड बाय स्मॉलर लेंथ का जो रेशियो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग में कितना होता है वो? अच्छा सॉरी सर, वो ग्रेटर देन टू होता है तब वन वे स्लैब होती है, ये टू वे स्लैब है। सॉरी, ठीक है। दूसरी चीज, अभी कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं आपके दिमाग में? सर बताइए। सर एक तो टेंशन का है, थोड़ा प्रेशर। जी सर, टेंशन तो उसके कारण हो रही है जो स्ट्रेस लग रहा है। स्ट्रेस कौन सा डेवलप हो रहा है आपके माइंड में? क्वेश्चन सुनते ही इट इज अ कंप्रेसिव फोर्स ना, दबाव हो रहा है। हाँ सर, उसके कारण फिर आप टेंशन और चिंता तो अनंत है ना। थैंक यू बेटा। हेलो, सर्वे पढ़ा आपने? यस सर। कौन कौन से लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? सर इसमें ऑटो लेवल यूज करते हैं, डंपी लेवल यूज करते हैं और वाई लेवलिंग भी कुछ यूज करते हैं। क्या डिफरेंस होता है ऑटो लेवल एंड डंपी लेवल में? सर डंपी लेवल तब यूज़ करते हैं जब अपन को सिंगल पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारी लेवलिंग, बहुत सारी जगह पे लेवलिंग लेनी होती है, और जबकि ऑटो लेवल के अंदर अपन उसको खुद को भी टिल्ट कर सकते हैं और अलग अलग एंगल्स पे लेवलिंग ले सकते हैं। एंड मेथड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं लेवलिंग के? सर एक तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग होती है जिसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर का यूज़ करते हैं, एक जो स्पीड लेवलिंग होती है उसके अंदर फिर अलग अलग लेवलिंग्स होती हैं जैसे डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग और रेसिप्रोकल लेवलिंग। आप किसी साइट पर हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर साइट में डायरेक्शंस जो देखेंगे, बियरिंग जनरली देखेंगे, वो कौन से कंपास से फॉलो करेंगे? सर जनरली अपन सर्वेयर कंपास यूज करते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? प्रिज्मेटिक कंपास। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? सर प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसके अंदर एक तो जैसे प्रिज्म यूज होता है तो उसकी वजह से अपन साइटिंग और जो रीडिंग्स है वो साथ में कर सकते हैं, जबकि सर्वेयर कंपास के अंदर अपन को साइटिंग सिंगल टाइम में कर सकते हैं, फिर रीडिंग्स है वो अपन को अलग टाइम में लेनी पड़ेगी। एक होता है जो अपन प्रिज्मेटिंग कंपास को विदाउट ट्राईपोड भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि सर्वेयर कंपास के लिए अपन को ट्राईपोड है वो नेसेसरी होता है। एक टर्म होती है, एक एरर है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सुना है आपने? जी सर। क्या होता है वो? सर इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंगल, और कैन से इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। शेयर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, देखा है आपने कैसे प्रोवाइड करता है? सर पढ़ा है। पढ़ा कैसे बताइए?
सर शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए अपन हमेशा अपन बिल्डिंग्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसका परसेंटेज टेंशन टेंशन निकालते हैं, जिसके अंदर अपन में अपन एएसटी अपॉन में मतलब बीडी करके अपन परसेंटेज टेंशन निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन टाउ से निकालते हैं। वो उसका होता है कि इतना तो मिनिमम ये टेंशन इसमें शेयर फोर्स है, शेयर स्ट्रेंथ इसमें है। फिर देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर कितना शेयर फोर्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन शेयर फोर्स को बीडी से डिवाइड करके शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं जो शेयर स्ट्रेस अपने पास में आ रहा है, जो ये इसकी कैपेसिटी है, वो शेयर स्ट्रेस यदि उसके हाफ से भी कम है तब तो अपन को मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक इसके अंदर हम स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। जी सर। तो एक होती है 2 लेग स्ट्रिप्स, एक होता है 3 लेग स्ट्रिप्स, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? रानी जी आपका इंटरव्यू इज ओवर। आप राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जी सर इसके बारे में तैयारी करके जाइए। जी सर। प्रमुख उद्देश्य क्या थे, क्यों बनाया गया, कौन कौन से प्रदूषण कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से इससे संबंधित एक्ट है? जी सर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी जो निर्णय होती है उनकी अपील कहाँ होती है? यस सर। ठीक है, केंद्रीय सीपीसीबी और एनजीटी बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? ठीक है सर, एक्चुअली मैं अभी हेड ऑफिस में हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे मतलब रेगुलर टच में आती रहती है। ठीक है, अखबार पढ़ के जाइए आप। जी सर। प्रदेश की, देश की और विदेश की खबरें महत्वपूर्ण, ओलंपिक पैरालंपिक, यूएस ओपन, महिला एकल, पुरुष एकल, ठीक है, और राजस्थान जी के थोड़ों भी पढ़ के जाना, पूछ सकते हैं उनसे। अभी टेक्निकल पे ज्यादा जोर चल रहा है वहाँ। हाँ, लेकिन टर्न हो सकता है, वो कैसे चेंज हो सकता है, अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। यस सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो एक सब्जेक्ट टेक्निकल रूप से मजबूत तैयार करके जाए सर, वैसे तो कुछ में वो पूछ नहीं रहे हैं सबके अंदर, तो ऐसे की नहीं, फिर भी जो जनरल टर्म्स है वो व्यवहारिक रूप से क्या क्या समस्याएं आ सकती है, जैसे क्रैक्स है, फाउंडेशन का कमजोर होना, सर आरसीसी वगैरह में थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज। हां यस, प्रैक्टिकल नॉलेज। और सर बनने के बाद सड़क जल्दी खराब क्यों हो जाती है? मटेरियल वगैरह, तकनीकी कारण, टेक्निकली आपको बताना है। जी सर। ओके, सर मैं पूछ सकती हूँ, जैसे कि वॉच एक तो पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। और सर साड़ी में जैसे कोई इशू, जैसे कि थोड़ा हैवी लग रही है साड़ी, ऐसा जैसा ये साड़ी ओके, डार्क कॉम्बिनेशन मत पहन के जाना, कॉम्बिनेशन ब्लाउज, हाँ मतलब डार्क जो कॉम्बिनेशन होगा ना, हाँ, इंटरव्यू के लिए हमेशा लाइट कॉम्बिनेशन पहनते हैं, तो कोई भी लाइटर शेड में अपनी ड्रेस को रखिएगा, वेदर इट इज साड़ी और सूट, और बटन्स नहीं होने चाहिए आपके, जो भी आपका ड्रेसअप हो उसके अंदर वो वहाँ पर इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, कि बटन में कहीं कैमरा और इस तरह का फिट ना हो। तो जैसे ये अभी मैंने पहन रखी है तो इसके अंदर चेंज करने की, थोड़ा डार्क शेड है तो उसको लाइट उसमें लेकर आओ, मतलब इम्पैक्ट रहता है उससे।